हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, गमलों में तो गर्मियों के बहुत सारे फूलों के पौधे और बेल हम लगाते ही रहते हैं, लेकिन अगर स्पेस की कमी है या बालकनी छोटी है तो भी हम फूलों का मज़ा हैंगिंग बास्केट में लगाकर ले सकते हैं, वो भी गर्मियों में। जी हाँ, सर्दियों में तो बहुत ही रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूलों के पौधे हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, तो गर्मियों में हम इनसे क्यों वंचित रहें? आज की वीडियो में हम देखेंगे गर्मियों में हैंगिंग बास्केट में लगने वाले 15 फूलों के पौधे जो नवंबर दिसंबर तक आपके गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिलाते रहेंगे। इनमें से बहुत सारे पौधे तो कटिंग के द्वारा हम लगा सकते हैं और कुछ को हम डिवाइड करके अपनी बहुत सारी हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। दोस्तों, हैंगिंग बास्केट की मिट्टी जो है लाइट वेट और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए ताकि उसमें बार बार खाद मिलाने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी उसमें इतना स्पेस होता नहीं है कि हम बार बार खाद दें, तो वर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिट्टी में ही पहले ही मिला लेना चाहिए। तो दोस्तों, हैंगिंग बास्केट में लगने वाले फूलों में पहला पौधा है ये बेबी सनरोज का। तो बहुत ही खूबसूरत इसमें छोटे छोटे से फूल खिलते हैं, पिंक कलर के, रेड कलर का भी आता है। तो देखिए, इसकी कटिंग लगाना इतना आसान है, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। बस पीछे के आपको कुछ पत्ते हटाने हैं, सिर्फ टिप के एक दो पत्ते रहने देने हैं और सिंपल सी मिट्टी में लगा देना है। सिंपल सी मिट्टी का मतलब है आपने इसकी मिट्टी में सैंड ज़रूर मिलाना है, वरना इसकी जो कटिंग है वो गल जाएगी, क्योंकि ये एक सैक्युलेंट प्लांट है। तो देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने ये लगाए थे और अब इनमें आप रूटिंग भी देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये है रेन लिली के फूल, तो इनको भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। गमलों में तो ये लगते ही लगते हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इन पौधों की कटिंग नहीं लगती, इनको हम डिवाइड करके लगा सकते हैं और बहुत सारी हैंगिंग बास्केट इनकी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने कुछ टाइम पहले इनको डिवाइड कर लिया था, तो इनके इस तरह से बल्ब्स होते हैं और इनको हम थोड़े थोड़े करके या तो हैंगिंग बास्केट में लगा दें, और ये छोटी छोटी बॉटल्स में भी खूब आसानी से चल जाते हैं। देखिए, इस तरह के इसके बल्ब्स होते हैं, तो ये बहुत डिवाइड हो के बहुत ही ज़्यादा घने हो जाते हैं, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले इन बॉटल्स में लगा दिए थे, तो ये बॉटल्स में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो हैंगिंग बास्केट में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो इन बॉटल्स में भी इनमें फूल खिलते हैं, तो मानसून सीज़न में इनमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फूल खिलते हैं, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। फूल के साथ साथ इनके पत्ते भी बहुत ही सुंदर लगते हैं हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए, तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। अगला पौधा जो हम हैंगिंग बास्केट में समर्स में लगा सकते हैं, वो है ये चाइनीज़ वॉयलेट। तो पत्ते तो इसके खूबसूरत हैं ही हैं, फूल भी कोई कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत इसके फूल लगते हैं, बहुत ही प्यारे वॉयलेट कलर के। तो ये भी हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने ये हैंगिंग बास्केट में लगाया था, जो कि मैंने कटिंग से रेडी किया था, तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप कहीं से दो तीन ये छोटी छोटी डंडियाँ तोड़े और सिंपल सी मिट्टी में इसे लगा दें, बहुत जल्दी ही इनमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से इस पौधे से भी आप बहुत सारी हैंगिंग बास्केट रेडी करके अपने गार्डन को सजा सकते हैं। ये पौधा है मैक्सिकन हैदर या फिर कुफिया, तो बहुत ही प्यारा ये लगता है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। इसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पर्पल कलर के फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो इसको भी आप इन गर्मियों में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये पौधा है ब्लू डेज का, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में और बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लू कलर के फूल देता है। ब्लू कलर तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हरे हरे पत्तों के बीच में नन्हे नन्हे ये नीले रंग के फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती ऐड करते हैं आपके गार्डन में। नेक्स्ट पौधा है पर्पल हार्ट का, तो बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लग जाता है। पत्ते तो इसके खूबसूरत बैंगनी कलर के हैं ही, साथ में हल्के बैंगनी कलर के ये फूल भी खिलाता है, तो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और हमारे चारों तरफ हरे हरे पौधे हैं, उनके बीच में ये बैंगनी कलर के पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है और मानसून के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा ये घना हो जाता है। चाहे इसे किसी वेस्ट बॉटल में लगाओ, इसकी कटिंग पानी में भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो पीछे के इसके कुछ पत्ते हटाने हैं, इसकी जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो पत्ते हटाते हुए आप ध्यान से इसको हटाएं, वरना इसकी स्टेम भी टूट जाती है। तो इसको हम पानी में भी उगा सकते हैं और मिट्टी में भी। तो देखिए, मैंने ये पानी में उगाया है, बहुत जल्दी ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। 5 से 6 दिनों में ही इसकी रूटिंग बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, और आप इसे मिट्टी में भी उगा सकते हैं, तो कटिंग बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसकी आप इस तरह से ढेरों हैंगिंग बास्केट भी रेडी कर सकते हैं। ये खूबसूरत से पीले रंग के फूल हैं वडेलिया के, तो हरे हरे पत्तों में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई चांद सितारे चमक रहे हों, बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो गर्मियों में ये फूल देते हैं और वैसे ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो इनको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने इनकी भी कटिंग लगाई थी, और इस तरह से हम अपनी ढेरों हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं गर्मियों के लिए।
विनका यानी सदाबहार की ये वाली देसी वैरायटी तो बहुत लंबी लंबी चली जाती है, लेकिन ये जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है तो इसको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और पूरी गर्मियाँ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल देता है। इसमें बहुत तरह तरह के रंगों में आते हैं फूल। तो देखिए मेरे पास भी ये कुछ इस तरह से हैं, एक रेड है, मेजेंटा है, तो इस तरह से। लेकिन ये वाला मैंने कभी ख़रीदा नहीं, ये पता नहीं इन्हीं में से बीज गिर के कुछ एक नई वैरायटी बन गई है, बहुत ही ब्राइट मेजेंटा कलर इसका आया है। तो देखिए इस तरह से इनके ना सीड्स बनते रहते हैं और वो सीड्स नीचे इसी गमले में गिरते रहते हैं या कहीं भी गिरते रहते हैं, तो और भी बहुत सारे नए पौधे बन जाते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे इनके भी हैंगिंग बास्केट्स बना सकते हैं। तो देखिए कुछ बीज गिर गए और उनको मैंने सेपरेट करके इस तरह पॉट में लगा दिया। पर्सलेन भी गर्मियों में हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही प्यारा प्लांट है, कई रंगों में ये आता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लगता है लटकता हुआ, और बारिशों के बाद जब धूप निकलती है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल खिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस गर्मियाँ इसको तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और कटिंग से तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। तो ये सारी हैंगिंग बास्केट मैंने एक ही प्लांट से रेडी की हैं, तो इस बस इसकी टिप की कटिंग तोड़े और पीछे के पत्ते हटाकर सिंपल किसी भी मिट्टी में आप दबा दें तो तभी इनमें 3-4 दिन में ही रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और बेहद ही खूबसूरत ये फूल खिलाता है। गर्मियों के राजा पॉटचुलाका को हम कैसे भूल सकते हैं, कितनी भी तेज़ गर्मी हो ये हैंगिंग बास्केट में इसी तरह से खिलते रहेंगे और बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। कई रंगों में ये आते हैं, कटिंग से भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं जब धूप में ये खिलते हैं और छोटी छोटी बॉटल में भी चल जाते हैं। एक खूबसूरत सा पौधा है रुसेला या फिर फायर क्रैकर भी इसे बोलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये लगता है हैंगिंग बास्केट में, जैसे कि कोई पटाखे की लड़ी इसमें लटकी हो। हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए इसके फूल बहुत ही लाजवाब और शानदार लगते हैं। मैक्सिकन पिटोनिया की ड्वार्फ वाली वैरायटी भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, कई रंगों में आता है, देखिए पिंक कलर में, वाइट कलर में, पर्पल कलर में। तो इसको भी आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसकी आपने कटिंग काटनी है और सिंपली बस मिट्टी में लगा देना है। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी छोटी सी एक कटिंग, तो बहुत अच्छे से इसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है और इसकी सीड्स भी अपने आप बनते रहते हैं और नीचे गिरते रहते हैं और उसी से नए प्लांट्स रेडी होते रहते हैं। लेंटाना की ड्वार वैरायटी भी हैंगिंग बास्केट के लिए एकदम परफेक्ट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल खिलते हैं, कई रंगों में ये आता है, इसे हिंदी में राई मुनिया भी बोलते हैं। तो ये भी आप इस गर्मियाँ लगा सकते हैं, इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। ऑक्सैलिस ट्राइंगुलरिस का पौधा भी हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं इन गर्मियों में। तो गर्मियाँ तो इसे चाहिए, लेकिन इसके फूल जो है शेड में खिलते हैं, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से लाइट पर्पल कलर के इसके फूल होते हैं, लेकिन मुझे तो फूलों से ज़्यादा इसके पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है, रात में इसके पत्ते बंद हो जाते हैं और जैसे ही सूरज चढ़ता है तो धीरे धीरे इसके पत्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए अब इसके पत्ते बंद हो गए हैं और इसको भी हम डिवीजन मेथड के ज़रिए अनेक पौधे बना सकते हैं। तो अभी ये पौधा मैं रिसेंटली ही परचेज़ किया है, कुछ ही टाइम हुआ है, तो जैसे ही ये मैच्योर होगा तो इसके मैं कई सारी हैंगिंग बास्केट बना लूँगी। दोस्तों स्वीट पोटैटो वाइन को हम ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसमें बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग ग्लोरी की तरह फूल खिलते हैं। फूल इसमें सीज़न आने पर ही खिलते हैं, यानी 1-2 महीना ही खिलते हैं, तो बाकी टाइम आप इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर हैंगिंग बास्केट में लगा लें और जब इसका मौसम आएगा तो इसमें प्यारे प्यारे फूल भी खिलेंगे। तो ये भी एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट ही है, इसमें देखें कितने प्यारे बहुत ही लाइट पर्पल कलर के फूल खिले। दोस्तों गर्मियों की हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए आपने कोकोपीट बराबर मात्रा में लेना है, यानी कि मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट भी बराबर मात्रा में ले, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें बार बार खाद नहीं डाल सकते हैं। तो इसके अलावा थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट, नीम खली, इस तरह से आप मिट्टी तैयार करें जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होगी और प्लांट को जो है बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंगिंग बास्केट इसके साथ साथ हल्की भी होनी चाहिए, तो कोकोपीट से भी हल्की होगी और आप हैंगिंग बास्केट में नीचे सूखे पत्ते आप मिला सकते हैं तो उससे भी वो लाइट वेट बनेंगी। तो इस तरह से आपने अपनी हैंगिंग बास्केट रेडी करके प्लांट लगाने हैं। तो इस तरह से इन रंग बिरंगे फूलों वाली हैंगिंग बास्केट लगा के आप अपनी गर्मियों को भी रंग बिरंगा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।